फिंगरप्रिंट सेंसर से कैमरा अटैच ना होने पर भी ले सकते हैं फोटो। ये है ट्रिक। यहाँ दिए गए तरीके से स्मार्टफोन में मौजूद फिंगरप्रिंट सेंसर से एंड्रॉयड डिवाइस में फोटो क्लिक कर पाएंगे। मौजूदा समय में लॉन्च हो रहे ज्यादातर एंड्रॉयड स्मार्टफोन फिंगरप्रिंट सेंसर फीचर के साथ आते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर का इस्तेमाल फोन को अनलॉक करने और फोटो खींचने जैसे काम के लिए किया जाता है। कई ऐसे स्मार्टफोन बाजार में उपलब्ध हैं जिनका फिंगरप्रिंट सेंसर कैमरा के साथ अटैच नहीं है। ऐसे में इन स्मार्टफोन के यूजर केवल फिंगरप्रिंट सेंसर का इस्तेमाल फोन को अनलॉक करने में कर पाते हैं, फोटो खींचने में नहीं। अपनी इस खबर में हम आपको एक ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में बता रहे हैं जिसकी मदद से ऐसे एंड्रॉयड यूजर्स की फिंगरप्रिंट सेंसर से फोटो क्लिक कर पाएंगे जिनका कैमरा सेंसर के साथ अटैच नहीं है। फिंगरप्रिंट सेंसर से अगर आपका कैमरा अटैच नहीं है तो आपको अपने स्मार्टफोन में दैकल नाम की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। स्टेप एक, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें दैकल एप्लीकेशन। इस ऐप को अभी तक 5000 लोगों ने डाउनलोड किया है। स्टेप दो, ऐप के डाउनलोड होने के बाद इसके मेन पेज में ओपन सेटिंग्स पेज का विकल्प दिखाई देगा। यह आपको एसेबिलिटी और परमिशन सेटिंग कॉन्फिगर करने की सुविधा देता है। स्टेप तीन, सभी जरूरी ऐप को अनुमति देने के बाद आप देख पाएंगे कि सभी ऐप्स दैकल सपोर्ट के मौजूद है। यहां तक कि इसकी मदद से आप फेसबुक और व्हाट्सएप के कैमरे को भी कनेक्ट कर सकते हैं। स्टेप चार, फोटो क्लिक करने के लिए फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ उन सभी एप्स को सिलेक्ट करें जिनका इस्तेमाल आप करना चाहते हैं। इसके बाद अपने स्मार्टफोन पर कैमरा ऐप को ओपन करें। स्टेप पाँच, आपको कैमरा के शटर बटन के ठीक ऊपर एक दैकल सर्विस रनिंग का नोटिफिकेशन दिखेगा। अब फिंगरप्रिंट सेंसर पर अपनी उंगली की मदद से आप फोटो को क्लिक कर सकेंगे।